सुपर्ब सुपर्ब, उनका काम तो हर फिल्म में अच्छा होता है, इन्होंने उसमें बेस्ट किया है। सेकंड पार्ट अच्छा है, इंटरवल के बाद फिल्म बहुत अच्छी थी और अच्छी लगी मुझे। थोड़ा सा चैलेंज था उनके लिए बट मुझे लगा कि उन्होंने अपना 100% दिया इस फिल्म में। तेजस मूवी अच्छी मूवी है, देशभक्ति की मूवी है। सबसे अच्छी बात है कि वुमन ओरिएंटेड पिक्चर थी, तो उसमें कंगना ने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया। इवन कंगना के साथ भी एक लड़की थी अंशुल, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। देखो इसमें बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि हर काम के लिए लड़कों को आगे किया जाता है, हर बोला जाता है कि बॉयज़ ही कर सकते हैं या फिर मेल ओरिएंटेड, बट ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल भी बहुत कुछ कर सकती है। देशभक्ति की फिल्म है, वन टाइम वॉच है ऐसा। मतलब एंड में मैं रोने लग गई थी, तो बेसिकली इतना इमोशनल कर दिया था। बट हम उड़ते उड़ते जाएंगे वाला डायलॉग है ना, वो हर एक की ज़िंदगी में है कहीं ना कहीं, कि आप जिस भी काम में हो उस काम में पूरा 100% दो और जहाँ जाना उड़ते उड़ते ही जाओ। अच्छा लगा वो जो नया हिंदुस्तान तेजस मिशन जो है सेकंड पार्ट में जो है, अच्छा लगा। एक फीमेल सोल्जर जो है, जो हमारे देश के लिए इतना कुछ करके गई है, तो मेरे हिसाब से कंगना ने बहुत बढ़िया सब्जेक्ट चूज़ किया, बहुत बांध के रखा। इवन मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आई हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ट्रेलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। और फिल्म में ये था कि कहीं भी ना आप मिस नहीं करोगे एक भी सेकंड को, कहीं बोर नहीं लगेगा आपको। इवन एक छोटा सा अटैक का भी इसमें दिखाया था 26/11 का, जो लड़की है उसकी फैमिली का कैसे अटैक हो जाता है, फिर भी वो देश से उतना ही प्यार करती है और देश के लिए लड़ने जाती है। ओवरऑल जितने सपोर्टिंग एक्टर्स थे, कुछ नए एक्टर्स को भी चांस दिया उन्होंने, सबका काम बहुत अच्छा था।